न्यूटन स्कूल के बारे में, तो आप लोगों को जिनको नहीं पता है न्यूटन स्कूल के बारे में, तो यार ये एक प्लेटफॉर्म है जो आपको प्रिपेयर करती है फॉर योर कैरियर इन टेक, अगर आप एक वर्किंग प्रोफेशनल हो या फिर आप एक स्टूडेंट हो। बट आप क्या है, मतलब क्या है कि आजकल बहुत सारे एक्चुअली में बहुत सारे वेबसाइट्स हैं जो कि आपको जॉब दिलाने हेल्प करते हैं, बट न्यूटन न्यूटन से अलग कैसे यार? अगर आपको जैसे सपोज यू आर स्टूडेंट और यू आर वर्किंग प्रोफेशनल और यू आर वुमेन विथ नो कोडिंग बैकग्राउंड, तो आपको कोडिंग सीखनी है और आपको एक टेक फील्ड में जॉब लेनी है आफ्टर कॉलेज कॉलेज कंप्लीट, और आपको अपनी जॉब स्विच करनी है, तो उस टाइम पे आप न्यूटन स्कूल कैसे बेस्ट है? आपको क्या, जब आप न्यूटन स्कूल में अप्लाई करोगे तो यू डोंट हैव टू पे एनी मनी इन द स्टार्टिंग। आपको क्या करना है, सिर्फ आपको पढ़ना है एंड आपकी जब जॉब लगी उसके बाद आपको पे करना है, एंड बाकी के सारे डिटेल्स आपको इस वेबसाइट में मिल जाएगी। तो मैं डेफिनेटली सजेस्ट करूंगा आपको एक बार आप चेकआउट करें न्यूटन स्कूल के बारे में, एंड ये जो वेबसाइट का लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे ऐड कर दूंगा, ठीक है? तो मैं आपको इसको ये लिंक ऐड कर दूंगा। एंड यहाँ पे न्यूटन स्कूल काफी सारा कॉन्टेस्ट कराते रहते हैं ये लोग, कोडिंग कॉन्टेस्ट हुआ था इनका हाल फिलहाल में, जो कि बहुत ही ज्यादा बच्चों ने आई थिंक 50 के प्लस इन्होंने इनके पार्टिसिपेंट थे उस कॉन्टेस्ट में। तो अगर आपने मिस आउट कर दिया तो कोई बात नहीं, आगे भी जब अगर कोई कॉन्टेस्ट कल आता है तो मैं आपको वहाँ पे अपडेट कर दिया करूंगा वीडियो वीडियो के थ्रू, ठीक है? तो आप लोग एक बार जरूर चेकआउट कर न्यूटन स्कूल के बारे में कि क्या है कैसे कर, आई थिंक मैंने आपको बता ही भी दिया कि अगर आपको जॉब लेनी है बट यू डोंट हैव टू पे यू डोंट हैव मनी इन द स्टार्टिंग, अगर आप क्या करो आप जॉब ले लो, फिर आपके पास आप क्या करना आपके जॉब लेने के बाद आप उसके बाद पे कर सकते हो इनको, ठीक है? एंड ये तो रहा, एंड आपको सपोज कि इनके बहुत सारे कोडिंग कॉम्पिटिशन होते रहते हैं, अगर आपको उनमें पार्ट लेना है तो मैं आपको लिंक दे दिया करूंगा, जब भी कोई इससे पहले हो चुका है एक बार, एंड अगर इसके बाद अगर कोई आता तो मैं क्या करूंगा आपको अपडेट कर दूंगा, एंड मैं उनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, ठीक है? तो ठीक, इस वीडियो में देखने वाले क्वेश्चन लीड कोड का दैट इज फ्रॉम लिंक लिस्ट, तो ये काफी हार्ड क्वेश्चन टैग में दिया गया, बट ये हार्ड क्वेश्चन एक्चुअली बिल्कुल भी हार्ड क्वेश्चन नहीं है, बेसिकली मैं इसको इजी लेवल में मानता हूँ क्योंकि सच में इजी क्वेश्चन है यार ये, मतलब ऐसा कुछ हार्ड वार्ड नहीं है इसमें, अगर आप सही से देखोगे तो आपको लगेगा कि हाँ यार ये तो इजी क्वेश्चन है, ठीक है? तो आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना, बस आपको देखना है कि एक्चुअली में क्या है क्वेश्चन, ठीक है? आपको देखना है कि क्वेश्चन में क्या कह रहा है, सेगमेंट क्या है क्वेश्चन के, एंड कैसे क्वेश्चन को पार्ट में डिवाइड कर सकते हो, इसमें सिर्फ दो पार्ट है, ज्यादा पार्ट भी नहीं है, कुछ सोचना नहीं है पार्ट में डिवाइड कैसे करेंगे क्या करोगे, बट हाँ अगर आपने क्वेश्चन एक बार समझ लिया क्या है कैसे है बट, तो आप इसको इजिली सॉल्व कर पाओगे, ठीक है? तो यहाँ पे हम देखते हैं कि कैसे इस क्वेश्चन को क्या करने वाले हैं, सबसे देखते हैं क्वेश्चन क्या है, हमारा क्वेश्चन है क्या एक्चुअली में, ठीक है? उसको देखते हैं आइए, तो ठीक है क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन है क्या है हमारा, ओके देखिए यहाँ पे हमें क्या गया है ना, एक मिनट, एंड आप मुझे बताना कि इस क्वेश्चन का मैं रीड कर दूंगा ना, उसके बाद मुझे बताना कि इस क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट क्या थी, रिक्वायरमेंट क्या है इस क्वेश्चन में, मतलब कौन सा पिछला क्वेश्चन हमें चाहिए, कौन सा पिछला कोड चाहिए या फिर क्वेश्चन चाहिए जिसके थ्रू इस क्वेश्चन को हम सॉल्व अभी कर पाएंगे, उसके बिना क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएगा, ठीक है? तो आपको कुछ ऐसा बताना है, यहाँ पे क्वेश्चन का नाम क्या है, मर्ज के सॉर्टेड लिस्ट, मर्ज के सॉर्टेड लिस्ट, अब मुझे आप सोच के अपने मन में बता दो कि कौन सा क्वेश्चन है, मतलब पिछला कौन सा क्वेश्चन इसके ऊपर डिपेंडेंट था, ये डिपेंडेंट है अभी भी, मतलब उसके पिछला ऐसा कौन सा कोड है, कौन सा क्वेश्चन इसके बिना क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है? आपको ये बताना है मुझे, ठीक है? तो देखते हैं कि अभी इस क्वेश्चन में क्या है, ठीक है? तो देखो हमें हमें क्या दिया है, हमें एक एरे गिवन है, यहाँ पे हमें एक एरे गिवन दिया गया है, गिवन ना यू आर गिवन है एरे ऑफ के, हमें एक के लिंक लिस्ट, के लिंक लिस्ट हमें ना एक एरे, हमें एक एरे गिवन है ये लिंक लिस्ट वाले, जिसमें के लिंक लिस्ट, सपोज के लिंक लिस्ट ये 1 2 3, ये हमें एक लिंक लिस्ट दिया, दूसरा लिंक लिस्ट 4 5 6, थर्ड तीसरा लिंक लिस्ट ये 7 8 9, हमें कुछ ऐसा लिंक लिस्ट, हमें एक एरे गिवन है लिंक लिस्ट का जहाँ पे लिंक लिस्ट है, सपोज कि एरे क्या है, ये एरे है, ये एरे बना हुआ है, इसके इस इंडेक्स पे एक लिंक लिस्ट पड़ी हुई है, यहाँ पे एक लिंक लिस्ट पड़ी हुई है, यहाँ पे एक लिंक लिस्ट पड़ी हुई है, यहाँ पे एक लिंक लिस्ट पड़ी हुई है, हमें कुछ ऐसा एरे यहाँ पे गिवन है, ठीक है? हमें यहाँ बताना है कि हमें क्या बताना है उस क्वेश्चन में, इसको मैं रिमूव करता हूँ, तब तक आप देख लो कौन सा रिक्वायरमेंट, रिक्वायरमेंट रिक्वायरमेंट क्या है क्वेश्चन का, उसको सोच, ठीक है? यहाँ पे यहाँ उन्होंने क्या बोला हो गया है, यहाँ पर उन्होंने क्या बोला है कि ईच लिंक लिस्ट इज सॉर्टेड इन असेंडिंग ऑर्डर, सारे जो लिंक लिस्ट है ना सॉर्टेड है असेंडिंग ऑर्डर, मतलब पहले छोटा लिंक लिस्ट है फिर बड़ा ऐसे करके सॉर्टेड है यहाँ पे, ठीक है? एंड यहाँ पे हमें क्या करना है, मर्ज ऑल द लिंक लिस्ट इंटू वन सॉर्टेड लिंक लिस्ट, आपने क्वेश्चन क्वेश्चन किया है मर्ज के सॉर्टेड एरे, मर्ज के सॉर्टेड एरे, अगर नहीं किया है तो सेम क्वेश्चन है ये भी, आपको ना के लिंक लिस्ट गिवन है, आपको के लिंक लिस्ट गिवन है, लिंक लिस्ट गिवन है एंड दीज ऑल आर सॉर्टेड, ये पहले से सॉर्टेड है, मतलब सॉर्टेड ऑर्डर में स्टोर्ड है, आपको क्या करना है इनके लिंक लिस्ट को ना सॉर्ट करना है, आपको आपको इनके लिंक लिस्ट को सॉर्ट करना है, ठीक है? ये करना है आपको, इनके लिंक लिस्ट को सॉर्ट करना है। अब देखो अब हमें देखते हैं कैसे क्या कर सकते हैं यहाँ से हम, अब सॉर्ट करना है हमें, अब देखो यहाँ पे लिंक लिस्ट गिवन है 1 4 5 1 3 4 1 2 6, इसको जरा मर्ज करना क्या आएगा, इसका क्या आएगा 1 2 3 4,
ये 4 यहाँ आ गया, फिर ये 4 आएगा, ये 4 4 आ गया, फिर क्या आएगा 5, ये 6 आ गया। देखो आपका ये आउटपुट है, आपने तीनों लिंक लिस्ट को मर्ज करके एक नया सॉर्टेड लिंक लिस्ट बना दिया, ठीक है ना। तो ये था हमारा क्वेश्चन। अब भाई अगर आप अभी तक मैं नहीं सोच पाया हूँ ना यार, तो बहुत गलत है यार, यहाँ बहुत दिक्कत हो जाएगी यार ये क्वेश्चन करने पर। तो इस क्वेश्चन में मर्ज किए सॉर्टेड लिंक लिस्ट है, यहाँ पे आपको किसका कौन से क्वेश्चन नीड पड़ेगा पीछे बताना। तो यहाँ पे आपको नीड पड़ेगा यार मर्ज किए सॉर्टेड लिंक लिस्ट का, मर्ज के सॉर्टेड लिंक लिस्ट का नीड पड़ेगा आपको। ये वाला क्वेश्चन आपको आना चाहिए, मर्ज की सॉर्टेड लिंक लिस्ट, सॉरी मर्ज टू सॉर्टेड लिंक लिस्ट, मर्ज टू सॉर्टेड लिस्ट, मैंने ये गलत बोल दिया। यहाँ पे आपको इसका नीड पड़ेगा मर्ज टू सॉर्टेड लिस्ट का, मर्ज टू सॉर्टेड लिस्ट, ठीक है। तो ये क्वेश्चन देखो, यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन हमने किया था मर्ज टू सॉर्टेड लिस्ट या फिर लिंक लिस्ट बोल लो इसको, वो भी है। तो हमें इस क्वेश्चन की नीड पड़ेगी, मर्जिंग करनी है ना मैं यहाँ पे, तो हमें मर्ज करना होता है, ये वाला कोड लिखते हैं मर्ज टू सॉर्ट लिंक लिस्ट वाला, हमें उसको नीड पड़ेगा यहाँ पे। अब देखो यार आपके पास दो लिंक लिस्ट अगर गिवन है, सपोज ये लिंक लिस्ट ए है, ये लिंक लिस्ट बी है, अब इसको आराम से मर्ज कर दोगे, ठीक है। आपने क्या किया, दोनों को एक हेड ए, हेड ए पास किया, हेड बी पास किया, दोनों को आपने मर्ज करके एक नया लिंक लिस्ट बना लिया, या आपका मर्जिंग हो गया, या आपका नया लिस्ट बन के आ गया। बट आपको यहाँ पे दो लिंक लिस्ट नहीं गिवन है, आपको ना के लिंक, आपको पता नहीं कितने लिंक लिस्ट गिवन है, तो कैसे पास करोगे यार। तो क्या करो ना, पहले इन दोनों, तो देखो अप्रोच क्या है, अप्रोच क्या है, सबसे पहले राइट द मर्ज टू सॉर्टेड लिंक लिस्ट कोड, ये सबसे पहला अप्रोच ये, सबसे पहला तो ये करना कि राइट टू मर्ज टू सॉर्टेड लिंक लिस्ट कोड लिखना है आपको। दूसरा क्या है ना, दूसरा क्या कर सकते हैं यहाँ पे, आपने तो ये तो लिख लिया कि मर्ज टू सॉर्टेड लिंक लिस्ट कोड लिख लो, इसके बाद क्या करना है आपको, ये देखो इसके बाद क्या करोगे आप यार, आप ना आपको पता है कि आप एक साथ तो मर्ज कर नहीं सकते, आप एक साथ तो सबको मर्ज के को मर्ज नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसा कोई कोड ही नहीं है जिसमें आप एक साथ ही सबको मर्ज कर दो, इन सबको लो एक साथ में मर्ज कर दो, नहीं ऐसा कोई कोड नहीं है मेरा। तो हमें क्या करना है ना, पहले हम इन दोनों को पकड़ेंगे मर्ज करेंगे, ए है बी है, ये दोनों को मर्ज करके सी आया। अब हम क्या करेंगे, इस सी को और इसको मर्ज करेंगे, फिर बनेगा, फिर इसको क्या करेंगे, इसको आगे भेज देंगे, फिर इसको आगे भेजेंगे, ऐसे करेंगे। देखो मैं क्या, मैं इसको लिख के बताता हूँ। सबसे पहले ना यहाँ पे मैं इसको इसको मैं क्या करता हूँ, जो हमारा कोड था उसको मैं यहाँ पे कोड लिखता नहीं, मर्ज टू सॉर्टेड वाला, इसका मैं कोड कॉपी करता हूँ पीछे से, क्योंकि यार काफी कोई टाइम वेस्ट करने जरूरत नहीं है, काफी मैंने उसको कोड कर लिया पिछले वीडियो में, तो मैं यहाँ पे कोड करूंगा इसको, ठीक है। और इसको मैं यहाँ से कॉपी करूंगा पीछे से, तो 1 मिनट देना, तब तो मैं कोड ले लेता हूँ वहां से। तो ठीक है, यहाँ पर हमने क्या किया, इसको दोनों को हमने जो, हमें जो कोड चाहिए था अपना मेन कोड मर्ज टू सॉर्टेड लिंक लिस्ट का, हमने वो कोड कॉपी कर लिया यहाँ पे, ठीक है। देखिए मैं इसको सबसे लिस्ट हटाता हूँ यहाँ से, इसको हमने हटा दिया, हमने ये कोड कॉपी कर लिया मस्ट टू सॉर्टेड लिंक लिस्ट का, हमारे पास ये कोड आ गया है, ठीक है। ये कोड तो आपको लिखना आना चाहिए सबसे, ठीक है। इसको क्या करते हैं, सबसे अपना बेस के लगाते हैं, ये अगर हेड आपका, अगर आपके लिस्ट की लेंथ ही 0 है ना, तब तो कुछ नहीं करना यार, हट जाओ, खत्म करो, रिटर्न कर दो, नल यहाँ से कर दो। नहीं तो क्या करो ना, अपना एक लिस्ट नोड बनाओ, प्रीवियस बनाओ, प्रीवियस को कहा यहाँ पे दे दो, सबसे पहले लिस्ट, लिस्ट की जो जो जीरो सिंटेक्स वैल्यू है वो दे दो। क्या करना था, फॉरवर्ड होगा फॉर इंट आई इज इक्वल टू 1, आई लेस देन लिस्ट डॉट लेंथ आई प्लस प्लस, और प्रीवियस में, यहाँ पे आप क्या करो, कॉल कर दो अपने इस वाले फंक्शन को, मर्ज करके आओ और प्रीवियस में स्टोर कर दो इसको, क्या करो पास, प्रीवियस करो और लिस्ट का आई पास करो, इस पे जो वैल्यू है वो पास करो, प्रीवियस पास करो, और यहाँ से रिटर्न कर दो आप प्रीवियस को। देखो मैंने क्या किया यहाँ पे, मैंने क्या किया, मैंने पहले इन दोनों नोट को उठाया, इसको उठाया है सबसे पहले अपने प्रीवियस में, इसको रख लिया है, इसको इस वाले नोट को दिखाता हूँ फिर से, मैं क्या बोल रहा हूँ, मैंने ना प्रीवियस में ये अभी जो है ना यहाँ पे प्रीवियस में ये है, मैंने क्या किया, मैंने मर्ज करने के लिए पास कर दिया प्रीवियस को, इसको पास कर दिया। अब ये जो पहले प्रीवियस आपको से किया था, अभी अभी मैंने इन दोनों को पास कर दिया, अभी जो मर्ज करके जो नया लिस्ट बनेगा सी, और वो प्रीवियस अभी वो हो गया, अभी सपोज 1 2 3 ये बना मर्ज करके, तो आपका प्रीवियस ये हो गया। फिर अगली बार मैं क्या करूंगा, इसको पास करूंगा और इसको पास करूंगा, ये कर रहा हूँ, और उसको इस और प्रीवियस को अपडेट कर दूंगा इससे, ठीक है। इसको देखते हैं रन करके क्या हो रहा है, आई होप के समझ में आना चाहिए। अच्छा लिस्ट, ये स्पेलिंग गलत है एस आई का यहाँ, ठीक है, यहाँ भी स्पेलिंग गलत है, आई होप ये काम कर जाएगा इस बार, नहीं यहाँ भी स्पेलिंग गलत है, ओके मे बी चल जाए, हाँ जी भी काम कर रहा है, सैंपल जैसे देखते हैं चल रहा है, सबमिट देते देखते हैं इसको, ठीक है वर्क कर रहा है, आई होप समझ में आएगा, थैंक यू सो मच।